हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज की जो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है वो हुई है लोबिया के ब्रेकफास्ट के साथ, और साथ में बनाई थी चाय, क्योंकि विदाउट चाय के तो ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है। तो इस तरीके से मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी आज हम लोगों की सबकी। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी लोबे के साथ, जैसे कि अभी मैंने बताया था। और बाद में रोजाना खाने का तो समून समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद मैंने बनाया था खिचड़ी, मतलब कि जो येलो वाली खिचड़ी होती है, टायरी भी जिसको बोल सकते हैं अब तो मैंने वही बनाया था, क्योंकि रोज का सच में रियली समझ में नहीं आता है कि क्या सुबह क्या शाम क्या ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का ही खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं विद दही। तो ये एक आसान भी है, टेस्टी भी है, और सबका पेट भी भरता है क्योंकि राइस जैसी चीज है तो बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े लोग भी पसंद करते हैं मोस्टली। तो वो सबसे अच्छा खाना है कि झटपट बन जाता है और आराम से फिर आराम करो या कुछ भी करो, दूसरे काम करने हैं या किसी दिन आप बिजी हो तो उस दिन ये सब चीज बना लो, मतलब खिचड़ी बना लो, तो बस काम जल्दी खत्म हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि क्रियांश के रोज उससे वो बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए गन लाओ। कल की वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कि हाँ इसकी गन आने वाली है। तो हाँ, फिर इसकी गन लेके आए तो वो इतना खुश है कि मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर। हाँ देखो, क्या क्रियांश, क्या है ये, क्या है? गन। आपको पसंद आई? इसको लेके इतना खुश है, इतना खुश है कि और शादी जल्दी देखा टेस्ट जल्दी कुकी टेस्ट जल्दी फैन लगा है। अच्छा, फैन भी है इसमें? कुकी पिज्जा है कैसा? अच्छा, इसमें लाइट है? हाँ चलती है। हाँ, तो इसको लेके ना ये सच में इतना खुश हो गया है, बहुत खुश हो गया। रोज आना ये बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरे को गन लाऊं। क्रियांश, आपका बर्थडे कब है? आज ही बर्थडे है इसका। बलगीर का बर्थडे अप्रैल में होता है, 22 अप्रैल को होता है, 22 अप्रैल को होता है बर्थडे। लेकिन गन लेने के लिए मतलब इसको ये ऊपर हो गई तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगी। मुझे पसंद आई। पसंद आई? अच्छा, मुझे पसंद आई। रोजाना बर्थडे मनाता है और बोलता है कि मुझे ये पसंद आई। अब तो नहीं चाहिए ना कुछ, हो गया ना आपका बर्थडे? ठीक है, ओके, खेलो। ठीक है, इतना पागल है उसको देख के। मतलब इसकी वीडियो भी मैंने शूट किया था, तो क्योंकि ये जब प्रांकिल लेके आए थे, ये स्कूल के टाइम ही लेके आते, जैसे स्कूल से छोड़ के आते हैं ना तो पूरा मार्केट पड़ता है, तो उसे साइड से लेके आए थे। तो ये उस टाइम सो गया था, मैंने कहा चल जब सो जाए के उठेगा तब देना उसको। और तो मैंने इसकी वीडियो शूट की थी, तो इसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि खुश बहुत था लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सोने के बाद तुरंत इसको सामने गन दिखाई दी, तो मतलब जिसे कहते हैं ना बोर आ जाना वैसे हो गया था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या रिएक्शन करना चाहिए। बहुत खुश था, लेकिन मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं क्या बताऊं कि बहुत दिन से बोल रहा था कि हाँ गन चाहिए थी। एक बात और है कि जैसे हम हाँ एक्चुअली क्या हुआ ना, जब इसके पापा यूपी गए थे, घर पे गए थे मतलब, तो वहां पे रखी हुई थी इसकी गन घर पे, तो हमने बोला था कि हाँ वो उठा लाना। लेकिन क्या हुआ, इसके जो गन थी उसमें सेल थे, गन के अंदर सेल थे, तो वो जैसे चेकिंग होती है उसमें एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, तो उसमें वो डिटेक्ट कर गया था, तो वो उन्होंने लोगों ने निकाल लिया था, उसको लेके आने नहीं दिया था। तो ये वाली चीज का थोड़ा ये भी आइडिया नहीं आया कि हाँ इसको नहीं लेके जा सकते हैं, तो
तो इस चीज का आइडिया नहीं था कि मतलब ये वाली चीज नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि ये तो टॉय हो गया है। तो और एक इसकी गन थी और एक थी कार, जो कि मैंने वीडियो में भी शेयर किया था, आप लोगों को दिखाया था, तो उसमें सेल नहीं थे, तो वो डिटेक्ट नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था कि हाँ इसको लेके जा सकते हो, बट गन के अंदर ना सेल थे तो वो वापस ही नहीं किया, वहीं पे सिक्योरिटी ने रख ली थी, जो चेकिंग होता है ना, जो मतलब सारा सामान चेक होता है, तो वहां पे वो उन्होंने गन को निकाल लिया था क्योंकि वो उसके अंदर सेल थे। ये अगर उसके अंदर सेल नहीं होते तो शायद नहीं लेते, बिकॉज कार भी दे ही दी थी, कार को नहीं रखा था, तो ये इतना माइंड में नहीं आया था कि उसके सेल निकाल के रखो, या फिर उस टाइम निकाल ये उन लोगों से बोल के देख लेते कि हाँ उसमें मतलब सेल निकाल के दे दो, ये भी नहीं है, तो फिर वो मतलब वहीं पे थी, तो उसको वही चीज उसको अभी तक याद थी, अब तो एक महीना हो चुका है, लेकिन वो चीज याद थी कि मेरी गन पुलिस अंकल ले, वो मुझे गन नहीं दे, इस तरीके से वो बोलता था। क्रियाश किसने ली थी आपकी गन? पुलिस है? सच्ची? फिर नहीं दी थी आपकी गन? देखो इतना परेशान सा, जैसे बेचारा कितना दुखी है। कहा हुआ? क्यों क्यों गुस्सा हो? मैं पुलिस गन थी। तो अब तो आपको नई गन मिल गई है ना, तो अब क्यों? हाँ अभी अब तो आपको गन मिल गई है ना, तो अब थोड़ी ना परेशान होगे तुम। अब आपकी गन तो अंदर रखी है, अभी दे। जाओ ले आओ अभी। हाँ तो जाओ ना लेके, आप लेके आओ, आपकी गन है ना, तो आप जाओ। तो ऐसे मतलब उसको बार बार से याद आता था कि मेरी गन अंकल ने ले, और वो इतना उदास थी, ऐसे मुंह करके बिल्कुल सीधा, और जाके लेट जाता था। तो फिर इसको फिर लेके आए कि चलो इतना परेशान नहीं होना चाहिए बच्चे को, और किसके लिए है, इनके लिए ही तो है। फिर इसके लिए बहुत 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 ज्यादा खुश था। क्रियाश इधर आओ अंदर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई है दीदी, इधर आओ जल्दी, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर अंदर देगी आपको सरप्राइज। फ्रांकी हाँ बिल्कुल, देखो 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 दीदी क्या लाई है, दीदी के पास जाओ देखो, दो कैसी लगी? अच्छा, बट दीदी से पूछो, देखो दीदी के पास जाओ, इसको भी सिखाना बेटा, दीदी के पास जाओ, पहले इसको ऐसे पकड़ो, फिर इसको ऐसे, ये हवा अच्छी अच्छी हवा है, हाँ सच में। आप हैप्पी हो? हाँ। आपको पसंद आई? हाँ। हो पापा जी, पसंद आई तुमको, खुश हो? हाँ ओ वेलकम, अब मैं आपको हवा खिलाती हूँ। हाँ क्या क्रियाश, क्या बोले तुम, अब खुश हो? हाँ। बहुत पानी ठंडा? हाँ कमाल। ओ अच्छा, कमाल दिखाओ, ये अच्छा लगा सरप्राइज दीदी का? अच्छा ये तुम्हारा है? ताकत लगा दीदी, और ये कर्टेन मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, जो कि विंडो और डोर के हैं, बहुत ही अच्छा है और अच्छे हैं, और एक्वा कलर है इनका, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो कर्टेन है वो
5 फीट मतलब 5 फीट और 7 फीट के हैं, जो कि विंडो के हैं वो है 5 फीट के, और जो डोर के हैं वो है 7 फीट के, जो कि मीशो से ऑर्डर किया था मैंने, अभी कुछ दिन पहले ही आया है, मतलब कल परसों ही आया है, जो क्योंकि पहले सिर्फ विंडो के आए थे, उसके बाद कुछ दिन के बाद डोर के आया था, इसलिए सिर्फ एक शॉर्ट्स भी अपडेट किया था मैंने, सिर्फ उसमें विंडो के थे, डोर का नहीं था। तो ये कंप्लीट सेट अब आ चुका है जो मैंने घर पे लगाया है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और फिर लास्ट में ब्लॉग को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, एंड बाय।